राजघाट थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक आत्महत्या के संबंध में मंगलवार को समाजवादी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष अमर अग्रहरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट गोरखपुर अजीत कुमार सिंह से मिलकर ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष अमर अग्रहरी ने बताया कि साहबगंज के एक व्यापारी ने सूदखोरी और कर्ज से तंग आकर अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया, जिस संबंध में हमने आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को ज्ञापन दिया और पीड़ित परिवार से बचे हुए एक बच्चे के लिए आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की मांग की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष अमर अग्रहरी ने कहा, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर हम लोग की मांगे हैं 3 तारीख को बारिश बालक बच्चा होता है बालिक तो 22-23 तारीख पर तो हम लोग माली में चाहिए इसका मांग करते हैं उसको सरकारी नौकरी से विधायक साहब से कम से कम 15 लाख का मदद, क्योंकि अगर नहीं मदद होगी तो फिर कर्जा लेगा, कहीं फिर डूबेगा, अकेले परिवार में बचा उसकी रक्षा करनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री जी से मांगे तो उसकी नौकरी दे सरकारी और 15 लाख अमर अग्रहरी जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। हम लोग बीते 3 फरवरी को जो व्यापारिक हमारा वो जो आदमी था वह परिवार के साथ खुदकुशी कर ली, आर्थिक तंगी के नाते आत्महत्या कर लिया। उस परिवार में एक बालक बचा हुआ है जिसकी उम्र 22-23 साल है, वह बालिक है और हम लोग व्यापार सभा समाजवादी व्यापार सभा हम मांग करती है कि उस बालिक को माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी योग्यता के हिसाब से सरकारी नौकरी दें या कम से कम 15 लाख रुपए का मुआवजा दें ताकि वह अपने तंगी से बच सके और आगे फिर वह अपना जीवोपार्जन जो है अच्छे तरीके से चला सके।